Don't buy fake views and don't buy fake subscriber, because जब तक हमने buy किया तब तक ठीक, और जब buy नहीं किया तो उसके बाद क्या? Think about it. Hi everyone. So who is new here? Please subscribe my channel and hit the bell button. जिससे आपको पता लगेगा कि मेरी वीडियो आई है. So my name is Yashika and मैं videos बनाती हूँ like makeup पे, skin care पे, like DIYs and etc. बट जो मैं आज जो ये बना रही हूँ वीडियो, मेरे जो वीडियो से बहुत डिफरेंट है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एज अ न्यू क्रिएटर हम लोगों को होता है कि क्यों नहीं हमारे व्यूज़ आते हैं ज़्यादा, क्यों नहीं हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं ज़्यादा. और हम लोग यूट्यूब पे सर्च भी करते हैं कि अच्छा ऐसे 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 तरीके हैं, ये तरीके ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लाइक लॉट्स ऑफ स्टफ. बट उसके बीच में एक हमें हम लोगों को एड्स भी दिखती हैं कि अच्छा लाइक बाय सब्सक्राइबर, लाइक बाय व्यूज़, लाइक पेड सब्सक्राइबर और आपको पेड व्यूज़ मिलेंगे. और आप आइटम्स उस पर क्लिक करके देखते हैं, इतना कुछ आपको दिखा देंगे कि ये है वो, ये है ऐसा ऐसा है. बट बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल मत जाइएगा. इवन अगर आप FB पे आप लोगों ने देखा होगा, जो 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 जिन्होंने सर्च किया होगा कि कैसे अपने सब्सक्राइबर ग्रो करें, कैसे वो करें, तो आपको बताया गया होगा कि आप ये करिएगा कि आप FB पे जाइए एंड देखिए कि ये आप लिखेंगे ना यूट्यूब सब्सक्राइबर, तो ग्रुप्स बने होते हैं कि जिसपे आप लोग अपनी अपनी वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं एंड जिनका होता है वो आगे करके लाइक करते हैं, ये सब कुछ होता है. उसके बीच में चलो वो भी आप करना चाहे करते हैं, लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं तो क्या करते हैं, अपनी ही ऐड चलाते हैं कि अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए या आपको व्यूज़ चाहिए, कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट ये. और उनका एक पैकेज होता है कि अगर आपको 4000 आवर्स का थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना है तो आप इतना पे करिए, या अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए तो आप इतना पे करिए. उसका भी उनके भी डेमो भी होता है कि अगर आपको डेमो के लिए आई थिंक इट्स अराउंड 1000 सब्सक्राइबर और वॉच आवर्स आपको इतना चाहिए इतना, तो आप उसको पे करके आप ले सकते हैं. ये कि फेक है या ये रियल है, जिसको इस बारे में जानना है वो पूरी वीडियो को एंड तक देख. एक्चुअली मैं आज बनाने तो लगी थी एक अपनी वीडियो, मतलब जो मेकअप ट्यूटोरियल के ऊपर, उसके लिए मैंने अपने हल्के फुल्के कर्ल्स भी किए हैं. बट आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू ऑल. ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो उनके झांसे में फंस चुके होंगे या फंसने जा रहे होंगे या जो सोच रहे होंगे. सो हुआ क्या, आई हैव अ फ्रेंड, मतलब मेरी एक फ्रेंड है जो यूट्यूब पे ही है, लाइक मतलब उसका चैनल मुझसे पहले था, मैंने बाद में बनाया. तो हम जब आप यूट्यूब पे आते हो तो आपके फ्रेंड्स वगैरह यूट्यूब के बन जाते हैं, लाइक इट्स नॉर्मल. जो आपकी ही तरह थोड़ा धीरे 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 करके बढ़ रहे होते हैं, जिनका भी थोड़ा बहुत टाइम, मेरी लाइक मुझे अभी 2 मंथ्स हुए हैं लाइक यूट्यूब पे आए, उसको आई थिंक 4 मंथ्स हुए. तो आप को लगता है कि नहीं उनको आपसे ज़्यादा पता, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. तो मैंने एक्चुअली ये ऐड देखी, तो मैंने उसको बताया कि तूने ऐसा ऐसा लाइक देखा है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो कहती हाँ मैंने भी देखा है. मैंने कहा कि तूने कभी ट्राई किया है? तो शी वॉज लाइक कि नहीं यार, करा तो नहीं है, बट हाँ कभी कभी तो लगता है कि ट्राई करके देखते हैं. और तो हम दोनों ने बात की कि चल चल लाइक लेट इट बी, नहीं करते हैं, ऐसा क्यों करें, अपने जो है अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, नहीं धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी इतना नहीं, कुछ मंथ बाद लाइक हम लोग वो कर लेंगे, लाइक लीव इट, हमारे कुछ नहीं बात नहीं हुई. तो उसने एक वीडियो डाली एंड उस वीडियो ने बहुत अच्छा वर्क किया. लाइक मैंने कहा यार वाह, मतलब तूने ऐसा क्या किया कि जहाँ इतने आ रहे थे, लाइक इफ़ शी इज़ गेटिंग 1K व्यू एक वीडियो पे, तो उसको ट्रिपल, लाइक उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिला, मतलब बहुत ज़्यादा. तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे, तो शी टॉल्ड मी कि यार मैंने ना ऐसे वो एड्स हम देख रहे थे ना, तो मैंने एक ऐड का वो कर लिया. मैंने कहा तो उसने व्यूज़ को बाय किया. मैंने कहा यार देख, तो उसकी उस वीडियो पे तो व्यूज़ आ गए, सेकंड वीडियो डाली लाइक उसके नॉर्मल एवरेज जितने व्यूज़ होते हैं उसने उतने आए. थर्ड वीडियो पे लाइक जो होता है कभी हमारी वीडियो अच्छी बहुत चल जाती है, कभी इतनी, वो शॉर्ट्स थे एक्चुअली शायद. हाँ फोर्थ वीडियो पे उसने क्या किया, उसने व्यूज़ नहीं, उसने सब्सक्राइबर खरीदे. उसने सोचा कि व्यूज़ से क्या, सब्सक्राइबर खरीदते हैं ना. एंड उसके सब्सक्राइबर लाइक 24 आवर्स के अंदर वो लाइक अगर आप एग्जाम्पल लीजिए 300 थे, तो उसके वो लाइक 700 हो गए थे. एंड शी गिव मी अ स्क्रीन शॉट लाइक देख यशिका ऐसे हो गए हैं. एंड उसके बाद जब आप ये देखते हो ना, आपके दिमाग में ना लाइक आपके मन में भी चल होती है कि चल मस्ती, कि चल लेट्स गिव अ शॉट.
सो मैंने भी कुछ खरीदे, लाइक यार होता है आपके माइंड में ना कि चल यार ट्राई एक बार ट्राई करने में करते, बट मैंने इतना कुछ नहीं खरीदा. लाइक आई बाय 200 व्यूज़, मैंने कुछ व्यूज़ को खरीदा जस्ट फॉर 50 रुपीज़. ठीक है, एंड मैंने कोई न्यू वीडियो पे नहीं, लाइक वो कोई पुरानी वीडियो भी थी, मैं नहीं बताने वाली है. एंड हाँ, लेट मी क्लियर, ये शॉर्ट्स पे काम नहीं चलता, जस्ट ये आपकी लॉन्ग वीडियोज़ पे ये सब कुछ आप कर सकते हो. तो उसके बाद ये हुआ कि आई फील सो गिल्टी, लाइक उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट हुआ कि शिट मैंने ये क्यों किया. क्योंकि यू नो, आपको पता होता है कि आपने क्या किया है, आपका जो अंदर का दिमाग आता है ना, आपने वो जो 10 मिनट की खुशी होती है उसके बाद आपको लगा शिट कि ये मैंने क्या किया. मतलब आई नो कि ये रियल नहीं है, एंड वो रियल ऑडियंस तक तो गई नहीं है. जब रियल लोगों ने नहीं देखा तो उस नॉलेज, उस वीडियो का क्या ही फ़ायदा. इतना तो मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा था. तो मैंने उसके बाद भी मैंने अपनी नॉर्मल वीडियोस बनानी, जो मैं बना रही थी मैं बना रही थी, एंड मैंने ऐसा नहीं किया. बट मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तेरा कुछ फ़ायदा हुआ, और सब्सक्राइबर को खरीदने का जो आंसर था उसका आंसर था नो, क्योंकि वो ऑल आर डेड सब्सक्राइबर थे ना. आपकी वो वीडियो को देख रहे, ना लाइक करें, ना कमेंट करें, मतलब वो फेक था. मतलब वो आपके, दे आर जस्ट नंबर्स, वो सिर्फ एक नंबर्स है कि अगर आपके फाइव इतने देख 700 सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर हैं, ऐसे सब्सक्राइबर और ऐसे व्यूज़ का क्या फ़ायदा कि जब वो नॉलेज जो आप देना चाहते हो वो लोगों तक गई ही नहीं, एंड कोई आपकी वीडियो देख ही नहीं रहा. और इससे ये होता है कि आपका चैनल डेड होने भी लग जाता है. लाइक ये बिग डिफरेंट थिंग है जो अभी हमारा टॉपिक है, हम उस पर रहते हैं. तो मुझे से ये मतलब भाई, वो जो 50 रुपये थे ना, बस वो उसके बाद मैंने कुछ ऐसा नहीं किया. वो 50 रुपीज़ से मेरे को अकल आ दी कि नहीं ना, ये फेक सब्सक्राइबर, ये व्यूज़ वगैरह वाला सीन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. क्योंकि अगर वो वीडियो आप इतनी मेहनत से बना रहे हो और वो आपको व्यूज़ तो मिल गए, नंबर, दूसरा कोई देखेगा तो कहेगा अरे वाह इसके तो इतने व्यूज़ आते हैं, चल अच्छा चल. बट रियलिटी आपको पता होती है कि यार वो फेक है. आप कब तक तो क्या करेंगे, आप क्या हर टाइम अपनी वीडियोस पे क्या बाय करते रहेंगे या सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहेंगे? क्योंकि वो तो डेड रहने, उन्होंने तो ना आपके चैनल को देखना है, ना लाइक करना, व्यू करना, तो फ़ायदा ही क्या. इससे बेटर तो 200 हो, 300 हो, एटलीस्ट वो आपके व्यू, आपके वीडियोस को देखते तो हैं, एंड वो रिव्यू तो करते हैं कि अच्छा ये है ये है. चाहे आपके व्यूज़ कम आ रहे, बट आपको ये तो पता है कि वो किसी रियल ऑडियंस ने देखा है, एंड यू फील गुड कि चल यार किसने देखा है, एंड उसके रिव्यूज़ भी आपको देते हैं. आपका चैनल छोटा हो या बड़ा हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो आप बताना चाह रहे हो और दूसरा बंदा वो उसको देख रहा है, एंड आपको आगे से वो बोलता है कि यार ये अच्छा था, वो आपको बहुत खुशी देता है. एंड मैंने मतलब मुझे लाइक आई एम अ न्यू क्रिएटर, लाइक अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और मैंने पहले ये सब कुछ करके देख लिया, एंड मुझे अकल भी आ गई. शॉर्टकट लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, एंड वो शॉर्टकट भी वेस्ट ही जाता है और आपके पैसे भी वेस्ट आते हैं. एंड मुझे बड़ा दुख होता है कि वो मैंने 50 रुपये लगाए. स्टिल मैंने तो जस्ट 50 बक्स लगाए थे मेरी फ्रेंड ने, तो आई कैन टेल यू. सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, नहीं तो ये बहुत बात चलती रहेगी क्योंकि मैं बहुत बोल सकती हूँ, आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन. सो ये वीडियो को हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं. इससे हमें ये मॉरल मिलता है, लाइक हमें होता था ना स्कूल टाइम पे, हम जब होते थे तो हमें एक छोटे छोटे स्टोरीज के बाद ये होता था कि हमें ये मॉरल मिलता था. तो हमें इस स्टोरी से ये मॉरल मिलता है कि फेक सब्सक्राइबर एंड फेक व्यूज से कुछ फ़ायदा नहीं होना. आप अपने जस्ट मनी को वेस्ट करेंगे क्योंकि ना ही वो कुछ नहीं करते हैं, जस्ट वो आप एक नंबर्स बन जाते हैं. मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि जब मैं वो देख रही थी ना वो एड, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय दिस, आई वांट टू बाय दिस. बट भाई अभी बाय कर लोगे बट आगे क्या करोगे, आगे के लिए तो कुछ नहीं करेंगे. इससे तो बेटर ये है कि धीरे धीरे सही, बट आपका चैनल ग्रो होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप ये आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, एंड जो मैंने गलती की एंड मेरी फ्रेंड ने किया वो आप लोग ना करें. एंड या सी यू एट माई नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरे मेकअप केयर, स्किन केयर जो भी होगा उसी पे होगी. एंड या प्लीज़ लेट मी नो कि आप किस में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जो मुझे बताएंगे मैं उस पर बनाऊँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड मुझे खुशी भी मिलेगी कि आप किस पे देखना चाहते हैं. सो बाय एंड सी यू सून, एंड स्टे सेफ.